इमरजेंसी डोर एग्जिट डोर आपको इधर ही मिल जाता है साइड में हम लोग अंदर जाके दिखाएंगे इसका कम्फर्ट मिनी सनरूफ मिल है। रहा है सीट बहुत ही बड़ा है भी आपको मिल रहे हैं हेलो फैमिली ऑफ ऑफ द द पीपल दे वर आस्किंग अबाउट रिव्यू बस सो ये बस आज को रिव्यू करने वाला यात्रा ये कहाँ से कहा जाता है आप लोग बताएंगे यात्रा कैसे ओवर व्यू आप को दिखा देंगे फ्रॉम द आउटर पार्ट ये बस आपका जाता है मार्गेटा टू गुहाटी विया एंड डिब्रगढ़ इसका स्टॉपेज इस इस तीन सौ के डिब्रगढ़ में भी है एंड ये जो बास है ये आपका ले लेन लैन का बास है। इसमें आपको एक प्रोजेक्टर मिल जाता है आपका खुद का मर्जी है एंड यात्रा ऊपर में लिख के रखा है एंड साइड का प्रोफाइल आपको दिखाएंगे आगे का सस्पेंशन आगे में आपको लिप स्प्रिंग मिल जाता है इस बास का टायर साइज है इसमें आपको List भी मिल जाता है इस आगे का सस्पेंशन एंड पीछे में आपको मिलता है एयर एयर सस्पेंशन जो कि बहुत बढ़िया है एयर सस्पेंशन इज़ वेरी गुड जगह आप खराब रास्ते में चलाते हैं दैन एयर सस्पेंशन इज वेरी गुड देख सकते हैं इसका पीछे का सेटअप एयर सस्पेंशन एंड जस्ट लोग दिस यात्रा में क्या लिख के रखा है दिस इज कैन ऑफ द बैजिंग ऑफ दिस बास ये कंपनी जो यात्रा है इसका बैजिंग भी आप लोग बोल सकते हैं एयर सस्पेंशन सीमी स्लीपर एंड हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम आपको अगर ठंडा दिन में जाता है तो आपको हीटिंग का फैसिलिटी भी मिलेगा एंड अगर आप गर्म दिन में जाता है धन आपको कूलिंग का फैसिलिटी भी मिलेगा एंड रियर के आप लोग देख सकते हैं रियर में भी आपको फुल टेल लाइट ये एल ई डी का दे के रखा है एंड ये बास आपका है ए एस टू फाइव आसाम रेस्टेसन है एंड इसमें भी थोड़ा स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए साइड का और भी आप लोग देख सकते हैं ये बास फुल ए सी है अंदर में आप लोग को बाद में जाके दिखाएंगे दिस इज द टूल बॉक्स इधर टूल बॉक्स के सामान लोग हैं एंड इधर लगेज स्पेस से आप सामान रख सकते हैं उस साइड में खोल के रखा है आई हेल्प शो यू ड्राइवर साइड का व्यू तो आप लोगों को बाद में जाके दिखाएंगे दिस इज द लगेज स्पेस द लगेज स्पेस तो ठीक ठाक ही आप सामान रख सकते हैं आराम से अगर कोई बड़ा सामान हो गया इधर रख नहीं सकता देन यू कैन ईजिली पुट आउट हियर लगेज स्पेस आपका नीचे भी मिल जाता है एंड ये रहा आपका इमरजेंसी डोर एग्जिट डोर आपको इधर ही मिल जाता है साइड में नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारा बास का तो साइड भी रहता है अभी आप लोग को अंदर जाके दिखाएंगे इसका कंफर्ट सो ड्राइवर साइड व्यू आप लोग देख सकते हैं ऐसा मिलता, ले मिलता है आपको ये का स्टायरिंग आपको फुल पावर स्टायरिंग मिलता है एंड इधर थोड़ा स्पेस मिल जाता है आपका कंडक्टर भी बैठ सकता है एंड ऊपर में इट्स काइंड ऑफ स्लीपर दो ड्राइवर जाता है अगर एक ड्राइवर को नील नहीं है कैन स्लिप आउट एंड ऊपर में देख सकते हैं कि बढ़िया सा एक छोटा सा मिनी सन मिल रहा है एंड इधर एक को ड्राइवर का सीट एंड थोड़ा तो बहुत लगेज स्पेस स्टेरिंग आप लोग देख सकते हैं यार ये नॉर्मल है आपका जो ट्रक्स एंड बास में मिलता है आपको सेम वही मिल रहा है व्हील एंड एंड दिस आर सम स्विच आपका जो पीछे का रियर का लाइट वगैरह आपका सब इधर से कंट्रोल होता है एंड दिस इज फॉर ए सी आपको इधर ए सी का जो टेम्परेचर एडजस्ट आपको इधर ही मिल जाता है अभी हम लोग इसका मेन पार्ट में जाएंगे इसका सिटिंग कम्फर्ट सो इस बास में आपको मिलता है टू बाई वन सिटिंग कम्फर्ट आई सो यू विदीट यू कैन सी आउट हियर स्पेस देखिए यार काफी ज्यादा बढ़िया स्पेस है स्पेस के मामले में कुछ दिक्कत नहीं है यार जिस लोग के दिस कोई बात में क्या होता कि सीट इतना लगा थे कि आपका चढ़ने के लिए आपको इतना दिक्कत होता लेकिन ये बात में आपको कुछ दिक्कत नहीं है जिस लोग के दिस यार एक बहुत ही बढ़िया स्पेस मिल रहा है एंड अभी जो आप हैंड बैग लाते हैंड बैग आप ऊपर पे रख सकता है नो प्रॉब्लम बट जो बड़ा बड़ा लो के आपका सामान लोग आपको नीचे में डालना होता है आई तो कितना बड़ा सीट है यार जिस लुक दिस इसका जो मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो दिखाया था भारत बेंच इसका सेम जो लग्जरी भारत बेंच आपका लूड्राग्स उसका सेम जैसे लगता है उसका सिटिंग कम्फर्ट तो चेक दिस आउट इसमें आपको अपना ढाई सपोर्ट भी मिल रहा है इधर सीट बहुत ही बड़ा है आई एम टेलिंग यू सीट बहुत ही बड़ा है अभी मैं बैठ के दिखाऊंगा इसके सिटिंग कम्फर्ट सो so, जिस चेक दिस काफी बड़ा सीट आपको मिल रहा है सो so, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है विकी भाई थोड़ा सामने आओ जिस चेक दिस आउट इसका जो थाई सपोर्ट है थाई सपोर्ट भी आपको मिल रहे हैं आराम से आप सो सो के जा सकते हैं आपका हेड है ड्रेस भी आपको एक बढ़िया मिल रहा है बहुत सारा बास में क्या होती है अलसोइया बहुत सारे बाँस में क्या होता है कि आपका जो है जो देता है लेकिन हेड क्या होता है कि स्ट्रेट करके देता है लेकिन इस वाला बाँस में आपको इससे स्कूप करके रखा है so इसमें क्या होता है कि आपका गला इधर बढ़िया से बैठता है एंड इसका जो सपोर्ट आपको साइड सेट में मिलता है बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है इसका सिटिंग कम्फर्ट काफी लग्जरी है आई वुड लाइक टू कॉल इट एज लग्जरी अपने घर में भी इतना बड़ा सीट नहीं है यार ये बांस में आपको बहुत ही बढ़िया सीट मिल रहा है एंड जो हेडरूम

कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि यार भाई एक फैन भी चाहिए क्योंकि एसी का स्पीड कभी क्या होता है कि एसी सी इतना नीदेता है सो इसका हवा यू नो इतना बढ़िया से नहीं आता है सो फॉर दैट फैन इज़ वेरी गुड फैन से भी आपको हवा मिल रहा है ये वाला सिस्टम मेरे को बहुत बढ़िया लगा एंड सीट का पीछे में आपको एक मैगजीन होल्डर या कुछ पॉलिथिन पॉलिथिन इज वेरी गुड जी ने ये पॉलिथिन क्यों देखे रखा है आप आलते टेल यू अगर कोई बंदा उल्टी कर जाए दे देते <laughs> इधर कर सकते हैं सॉरी फॉर द अगर किसी को गंदा लगा लेकिन ये लोग इधर प्रोवाइड करें एक पॉल थिंग एंड इधर आप एक बॉटल रख सकते हैं सो एस आई हैव टोल्ड यू इस बास का सीटिंग कम्फर्ट बढ़िया हुआ क्योंकि पीछे में आपको देख के रखा है एयर सस्पेंशन एंड आगे में तो आपका कमान ही मिलता है लेकिन पीछे का सस्पेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे में ये कमा नहीं है लेकिन इतना नहीं है सो so, अगर आप जाते थे इस वाला बास भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा सो so, ये बास आपका चलता है फ्रॉम मार्गेटा टू गुवाहाटी सो मार्गेटा में भी इसका स्टॉपेज है, Tinsukia, इसका Dibhugur, इसका है. Margreta, आपको पे करना होगा पर सीट आपको नाइन फिफ्टी एंड फ्रॉम तिनसुकिया आपको पे करना होगा एट फिफ्टी एट थर्टी फाइव सॉरी एंड फ्रॉम डिब्रूगढ़ यू इधर आपको एक बड़ा सा स्क्रीन भी देके रखा है इससे क्या होता है नॉर्मली जब हम लोग बास में चलता है तो सीटिंग ऐसा रहता है लेकिन क्या होता है कि जो दोनों पैसेंजर है मान के चलो ऐसे बेहतर तो पैसेंजर का जो ये आमरे है आमरे या दोनों का हाथ लग जाता है इस वाला बास में आप लोग देख सकते हैं गैपिंग कितना है बोट ही ज्यादा गैपिंग है इधर से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि सीटिंग कम्फर्ट कैसा है और क्या होता है कि बहुत सारा बास में खाली पैसेंजर पैसेंजर को उठाना है बोल के लगा देते हैं बास में आपका फिफ्टी सीट्स या फोर्टी फाइव सीट इतना लगा देता है लेकिन पैसेंजर का जो सिटिंग कम्फर्ट है वो ध्यान में नहीं रखता लेकिन इस वाला बास में आपको सभी चीज मिल रहा है सिटिंग कंफर्ट आपको मिल रहा है एंड एक चीज बहुत बढ़िया देखे रखे एस है गाइस नो कि आजकल क्या हो रहा है कि सभी बास में आपका यूएसबी टाइप चार्जिंग सॉकेट देखे रखे है सो तो इस बास में भी आपको मिलता है यूएसबी टाइप चार्जिंग सॉकेट इधर बस आपका डाटा केबल लगाना है एंड फोन चार्जिंग करके आप ऑनगो आराम से मोबाइल चार्जिंग करके जा सकते हैं सो गाइज दैट ऑल फोर देंग यू इसका मेरे को कुछ पे नहीं कर रहा है बहुत सारा बंदा लोग मेरे को डीएम कर रहा था भाई मार्गेटा से गुवाहाटी क्या बास जाता है मेरे को अपडेट दो बोल के सो आई डी द अपडेट ऑफ दिस बास यात्रा इसका बास का रिव्यू आप मेरे को दे दिया है सो so, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आते रहेंगे सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो